हेलो एवरीवन दिस इज़ प्रियांशु वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ ठीक है पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हाउ टू फाइंड एलसीएम और अब मैं बताने वाली हूँ कि हाउ टू फाइंड एच सी एफ ठीक है तो चलो देखते हैं कि हम किस तरीके से एच सी एफ फाइंड कर सकते हैं ठीक है तो एच सी एफ के लिए सबसे पहला हम लेते हैं क्वेश्चन एट एंड ट्व ठीक है सपोज हमारे पास ये नंबर है हमको बोला गया है फ़ाइंड दी एच सी एफ़ ऑफ़ एट एंड ट्वेल्व ठीक है हमें ऐट और ट्वेल्व का एच सी एफ़ फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा तो बहुत ईजी है आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा ठीक है तो सबसे पहली बात कि एच सी एफ़ का क्या मतलब होता है ठीक है एच सी एफ़ का मतलब होता है हाइएस्ट हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एच का मतलब ठीक है अब हमको फाइंड करना है एट और ट्वेल्व का एच तो चलो फाइंड करते हैं तो जैसे हमने एल में बॉक्स बनाए थे वैसे हम इसमें भी बनाएंगे लेकिन एल में आप ये देखे होंगे कि जो दो नंबर्स थे उनको हम साथ में लिखते थे है ना ऐसे लिखते थे अगर हमको एल फाइंड करना होता तो हम क्या लिखते एट एंड ट्वेल्व एक ही बॉक्स में बट एच में क्या होता है कि अलग 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 बॉक्सेस में नंबर्स को लिखा जाता है ठीक है यहाँ पे वन बॉक्स बना दिए यहाँ दूसरा बॉक्स बना दिए अब यहाँ एट लिखा है हम यहाँ एट लिख देते हैं यहाँ ट्वेल्व लिखा है हम यहाँ ट्वेल्व लिख देते हैं ठीक है अब हमें ये दोनों को अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा तो एट एट किसके टेबल में आता है टू के फोर के और एट के तो मैंने आपको क्या बताया था असेंडिंग ऑर्डर से चलता है तो हम यहाँ पे टू लिखेंगे है ना छोटे से बड़ा चलता है तो यहाँ टू लिख दिए अब टू के टेबल में एट कितने बार में आता है फोर बार में हम यहाँ फोर लिख देते हैं ठीक है अब फोर टू के टेबल में आता है हाँ आता है तो यहाँ टू लिख देंगे और कितने बार में आता है टू बार में ठीक है हम यहाँ टू हो गया अब टू टू के टेबल में आता है हाँ आता है टू के टेबल में वन बार में आता है ठीक है तो क्या हुआ हमारा क्या निकला टू इंटू टू इंटू टू है ना एट का क्या निकला है टू इंटू टू इंटू टू अभी हम ट्वेल्व का नहीं निकाले अभी हम ट्वेल्व का निकालेंगे तो अब ट्वेल्व का क्या है टू के टेबल में ट्वेल्व आता है जी आता है टू लिख दिए अब टू के टेबल में ट्वेल्व कितने बार में आता है टू वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर टू थ्री ज़ा सिक्स टू फोर ज़ा एट टू फाइव ज़ा टेन टू सिक्स जा ट्वेल्व आया ना कितने बार में सिक्स बार में ठीक है अब टू के टेबल में अब ये मैं नेक्स्ट पेज में दिखाती हूँ तो हम क्या ट्वेल्व का फाइंड कर रहे थे है ना तो यहाँ टू के बारे में सिक्स आया ठीक है अब टू के टेबल में सिक्स आता है यस टू के टेबल में थ्री बार में सिक्स आता है अब टू के टेबल में क्या थ्री आता है नहीं तो हम यहाँ थ्री लिखेंगे क्योंकि थ्री के टेबल में थ्री आता है तो वन बार में कट जाएगा है ना अब मैंने नेक्स्ट पेज में आपको क्या दिखाया था कि एट का क्या निकला था टू इंटू टू इंटू टू ठीक है और ट्वेल्व का क्या निकला अभी हमारा टू इंटू टू इंटू थ्री ठीक है यही निकला ना अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है हमको ये निकालना है एच सी एफ तो हमें इसमें क्या करना होता है कि जो भी सिमिलर नंबर्स हैं उनको हम कॉमन ले लेते हैं ठीक है जैसे एट में भी टू है और ट्वेल्व में भी टू है तो हमने इसको कॉमन ले लिया यहाँ टू लिख देते हैं ठीक है अब यहाँ पे भी टू लिखा हुआ है यहाँ पे भी टू लिखा हुआ है फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन और यहाँ टू ठीक है अब यहाँ टू लिखा है यहाँ थ्री लिखा है तो क्या ये सेम है नहीं है तो यहाँ टू इंटू टू ही बचेगा बस ठीक है तो टू इंटू टू इज इक्वल टू कितना होता है फोर ठीक है समझ में आया टू इंटू टू इज़ इक्वल टू फोर तो मतलब एच सी एफ़ हमारा फाइंड करने का एक ही मतलब था कि ऐसा नंबर फाइंड करना जो कि ये दोनों नंबर को डिवाइड कर सके ठीक है तो अब फोर से एट भी डिवाइड हो जाता है और फोर से ट्वेल्थ डिवाइड हो जाता है तो हमारा एच सी एफ मिल गया फोर है ना आपका आंसर निकला फोर ठीक है अब मैं ये यहीं पे ख़त्म करती हूँ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा और मैं आपको फिर से दो क्वेश्चंस दे रही हूँ एच के फॉर प्रैक्टिस तो आप इसे ज़रूर इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ठीक है तो एच का मैं क्वेश्चन देती हूँ पहला दे रही हूँ ट्वेंटी फोर थ्री टू थर्टी टू और फिफ्टी ये थ्री नंबर के आपको एच सी एफ़ निकालने हैं ठीक है अब दूसरा क्या है एटीन और ट्वेल्व ठीक है ये दो यही दो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको इसके एच सी एफ़ निकाल के मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर बताना है ठीक है सो थैंक यू वेरी मच